हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मनोविश्लेषण का सिद्धांत यानी कि साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड को समझेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मनोविज्ञान के संप्रदाय समझा था, उसमें दो हेडिंग्स रह गई थी, एक मनोविश्लेषण और दूसरा गेस्टॉल्ट। आज की वीडियो में हम लोग मनोविश्लेषण का सिद्धांत समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में गेस्टॉल्ट की थ्योरी को समझेंगे। तो जो हम लोगों का मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, उसके जो जनक हैं वो किन्हें कहते हैं? सिगमंड फ्राइड को। क्या कहा मैंने? मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत आता है, उसके जनक किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को। अब ये कौन थे? ये ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट थे। जो हम लोग के सिगमंड फ्राइड थे वो ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने तीन थ्योरीज पे काम किया, पहला मनोविश्लेषण, दूसरा मनोगत्यात्मक और तीसरा मनोलैंगिक। ठीक, इतना समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाजों के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। तो जो हम लोगों का मनोविश्लेषण है, उसके अंतर्गत मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मनोविश्लेषण है उसको समाज के ऊपर लागू कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या लिखा है? मनोविश्लेषण के तीन उपयोग होते हैं। मनोविश्लेषण के तीन उपयोग हैं। पहला, यह मस्तिष्क की परीक्षा की विधि प्रदान करता है। दूसरा, यह मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह प्रदान करता है। और तीसरा, यह मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपाय सुझाता है। मतलब जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो मस्तिष्क की परीक्षा की जितनी भी विधि होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? मनोविश्लेषण के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। और जो मानव व्यवहार से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, क्या कहा मैंने, मानव व्यवहार से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उसको क्रमबद्ध समूह किसने प्रदान करा? मनोविश्लेषण के सिद्धांत ने प्रदान किया। और तीसरा क्या लिखा है, जितने भी हमारे मानसिक रोगी हैं, जितने भी हमारी मानसिक रोगी हैं, उनके उपचार के जो उपाय हैं, उनके जो उपचार के उपाय हैं वो भी किसने दिए? मनोविश्लेषण के सिद्धांत ने दिए। इतनी बातें थी मनोविश्लेषण के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक, अब सिगमंड फ्राइड ने क्या करा, अपनी थ्योरी में जो मन का विश्लेषण किया, यानी कि मन का विश्लेषण किया तो उसमें मन की अवस्थाएं भी बनाई होंगी। अगर मन का विश्लेषण किया तो मन की अवस्थाएं भी बनाई होंगी। तो उन्होंने मन की तीन अवस्थाएं बनाई, एक चेतन मन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड। दूसरा अर्ध चेतन मन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। और तीसरा अचेतन मन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक, समझते हैं। जो हम लोगों का चेतन मन है वो वर्तमान से संबंधित है, मतलब वर्तमान स्थिति में जो हम लोग का मन इस्तेमाल हो रहा है, मतलब अगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो इस टाइम जो मन लग रहा है ये किसके अंतर्गत आता है? चेतन मन के अंतर्गत आता है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। ठीक, अब अर्ध चेतन मन क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड। जो चीज़ अचानक भूल जाना, मतलब हम लोग कोई चीज़ अचानक भूल जाएं या फिर कोई चीज़ अचानक याद आ जाए, किसी चीज़ को हम लोग अचानक भूल जाएं या फिर उसको अचानक याद कर लें, या फिर प्रयत्न द्वारा याद करना, या फिर प्रयत्न द्वारा वो चीज़ हम लोग को याद आ जाए, तो वो किसके अंतर्गत आता है? सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। इसका अगर एग्जाम्पल दें तो हनुमान जी जब समुद्र को पार कर कर गए थे, जब समुद्र को पार करके गए थे तो वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, लेकिन उनको प्रयत्न द्वारा याद कराया गया, शक्तियाँ याद आई और उन्होंने समुद्र को पार कर दिया था। तो ये था सबकॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल। फिर उसके बाद क्या आता है, अचेतन मन। इसके अंतर्गत जितनी भी दमित इच्छाएं होती हैं, मतलब जो हम लोगों की इच्छाएं दबी हुई होती हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, अनकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सोचते तो बहुत कुछ रहते हैं लेकिन उसको समाज में व्यक्त थोड़ा ही कर सकते हैं। तो जो चीज़ नहीं कर सकते हैं, जो दब जाती हैं इच्छाएं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, अचेतन मन के अंतर्गत आती हैं। ये बातें बताई थी सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण के अंतर्गत। क्लियर है? अब उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक बर्फ के टुकड़े को लेके,
उन्होंने एक बर्फ के टुकड़े को लेके अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या कहा था, बर्फ का टुकड़ा देखिए पानी में डूब रहा है, इसका 1/10 भाग ही पानी के बाहर है, इसका 1/10 भाग ही पानी के बाहर है, वो क्या है, चेतन मन है, और इसका जो 9/10 भाग पानी के अंदर है वो अचेतन मन है, और जो ये पानी की जो इन दोनों के बीच की जो स्थिति है अर्धचेतन, ये अर्धचेतन क्या है, इन दोनों के बीच की स्थिति है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल समझिए, हम लोग एग्ज़ाम देने गए हैं, हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी। अब उस थ्योरी का एग्ज़ाम के टाइम जब हम लोग लिख रहे होते हैं, कुछ भाग हम लोग को याद आता है तो हम लोग कुछ भाग ये लिख देते हैं वहाँ पे, तो वो किसका एग्जाम्पल है, चेतन मन का। 1/10 भाग हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा, अब सोचने से कुछ हम लोग को याद आ जाता है, तो वो क्या है, अर्धचेतन मन है। उस टाइम कौन सा मन यूज़ हो रहा है, अर्धचेतन मन यूज़ हो रहा है। अब मान लीजिए हम लोग सोचते रहे तब भी याद ना आए, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, मन अचेतन मन के अंतर्गत आता है, तो वो 9/10 भाग होता है। क्लियर है, हल्का हल्का आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, व्यक्तित्व की संरचना। इसको समझने से पहले एक चीज़ और बताते हैं, जो हम लोग के सिगमंड फ्रायड हैं, उन्होंने काम प्रवृत्ति पर बहुत काम किया था और बहुत सी बातें बताई थी। अब जितनी भी हम लोग ये समझेंगे, जितने भी अब हम लोग के आ रहे हैं टाइप्स, जितनी भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, उनमें काम प्रवृत्ति यानी कि लिबिडो को उन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक, तो व्यक्तित्व की संरचना ये किसके अंतर्गत आता है, गत्यात्मक पक्ष यानी कि साइकोडायनेमिक अप्रोच यानी कि मनोगत्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ये आते हैं। क्या होते हैं, इद, ईगो, सुपर ईगो। इद, ईगो, सुपर ईगो। इद को इद ही कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं, और सुपर ईगो को परा अहम कहते हैं। इद को समझते हैं। अब इद के अंतर्गत पहला क्या आता है, अचेतन मन। इद के अंतर्गत क्या आता है, अचेतन मन, मतलब कि जो हम लोग का 9/10 भाग दबा हुआ है, दमित इच्छाएं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, इद के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दमित इच्छाएं, मतलब हम लोग की जितनी भी दमित इच्छाएं होंगी वो इद के अंतर्गत आएंगी। ठीक, और ये जो इद है ये सुखवादी सिद्धांत है। जो हम लोग का इद है वो क्या है, सुखवादी सिद्धांत है, मतलब इद के अंतर्गत हम लोग बस सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब जो इद है, पहली बात तो ये जन्म से 1.5 साल चलता है। अब इसके अंतर्गत बच्चा क्या चाहता है, सिर्फ सुख चाहता है। बच्चा क्या चाहता है, सिर्फ सुख चाहता है, कि उसको सिर्फ सुख चाहिए, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जन्म से 1.5 साल तक का बच्चा सिर्फ सुख चाहता है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता है, और उसकी जो इच्छाएं वो दमित रहती हैं, वो अपनी इच्छाओं को बाहर व्यक्त नहीं कर पाता। समझ सकते हैं, व्यक्त नहीं कर पाता, क्या नहीं व्यक्त कर पाता, क्योंकि वो बोल नहीं पाता और अपनी इच्छाओं को वो व्यक्त नहीं कर पाता। फिर इसको इच्छाओं की जननी भी कहते हैं, इसके अंदर ढेर सारी इच्छाएं बनती रहती हैं। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे के अंदर ढेर सारी इच्छाएं बनती रहती हैं, लेकिन उसको वो व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक, और इसको इद को हमारे अंदर का पशु भी कहा जाता है, मतलब जो हमारा इद है इसको हमारे अंदर का पशु भी कहा जाता है। मतलब अब हम लोग के अंदर इच्छाएं बन रही हैं, तो कुछ इच्छाएं सही होंगी और कुछ इच्छाएं गलत भी हो सकती हैं, तो जो इच्छाएं गलत हैं उसको लेके इद को क्या कहा गया, हमारे अंदर का पशु। ठीक, और उसके बाद क्या लिखा है, काम प्रवृत्ति का भंडार। तो इस अवस्था में बच्चों के अंदर काम प्रवृत्ति का बहुत भंडार होता है, यानी कि लिबिडो सेक्सुअल अर्ग बहुत होता है बच्चों के अंदर। ठीक है ना, और इसके अंदर जो है मूल प्रवृत्तियां भी आती हैं, इसके अंतर्गत मूल प्रवृत्तियां भी आती हैं। क्या कहा मैंने, जो हम लोग का इद है इसके अंतर्गत मूल प्रवृत्तियां भी आती हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, पहले उनको हम लोग समझते हैं। अब मूल प्रवृत्तियां दो तरीके की होती हैं, जीवित प्रवृत्ति और दूसरी मृत प्रवृत्ति। जीवन में क्या होता है, पॉजिटिविटी देता है जिससे सेल्फ कंट्रोल आता है, और जो मृत्यु होती है वो निगेटिविटी देती है और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ईगो की। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अहम की। अहम किस पे बेस है, अहम वास्तविकता पे बेस है। जो हम लोग का अहम है वो वास्तविकता पे बेस है, मतलब जो रियलिटी है, जो समाज में रियलिटी दिख रही है उस पे बेस है। जो हम लोग का अहम है वो 1.5 साल के बाद से शुरू होता है, मतलब 1.5 साल के बाद हम लोग का अहम स्टार्ट हो जाता है। 1.5 साल के बाद बच्चा वास्तविकता देखता है कि रियलिटी आखिरकार क्या है।
आखिरकार रियलिटी क्या है। इसीलिए इसे वास्तविकता का सिद्धांत भी कहते हैं, ईगो को वास्तविक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, ईगो के अंतर्गत क्या होता है, ईगो हम लोगों का इच्छाओं को नियंत्रण करता है। जो इद में इच्छाएं बन जाती हैं, जो इद में इच्छाएं बनती हैं, उसको कौन नियंत्रित करता है, ईगो करता है। ठीक, अब ईगो को क्या कहते हैं, उचित अनुचित में समायोजन। मतलब जो ईगो है वो उचित और अनुचित में समायोजन करता है कि क्या चीज़ हम लोगों के लिए उचित है और क्या चीज़ हम लोगों के लिए अनुचित है, वो कौन बताता है, ईगो बताता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या समझा अभी तक कि ईगो वास्तविकता पे बेस है, यानी कि ईगो को वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। ईगो 1.5 साल के बाद होता है। ईगो क्या करता है, जो इद में इच्छाएं बन जाती हैं उनको नियंत्रित करता है और उचित अनुचित का समायोजन भी करता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है, सुपर ईगो यानी कि परा अहम, ये चेतन मन पे बेस है। मतलब सुपर ईगो के अंतर्गत क्या आता है, चेतन मन। चेतन मन क्या था, 1/10 भाग जो हम लोग समाज को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, 1/10 भाग जो समाज को व्यक्त करते हैं, जो वर्तमान स्थिति से संबंधित है। ठीक, अब सुपर ईगो का काम क्या है, सुपर ईगो का काम क्या है, वो इट और ईगो पे नियंत्रण करता है। वो इद और ईगो पे नियंत्रण करता है। मतलब जो इद में इच्छाएं बनी, ईगो ने क्या करा, इद को नियंत्रण में करा, और सुपर ईगो ने क्या करा, हमारे इद और ईगो दोनों को नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, और जो हम लोग का सुपर ईगो है वो 3 साल के बाद शुरू होता है। सुपर ईगो 3 साल के बाद शुरू होता है। ठीक, सुपर ईगो में बच्चा अपने आप को न्यायाधीश समझने लगता है। सुपर ईगो में बच्चा अपने आप को न्यायाधीश समझने लगता है। और आखिरी पॉइंट क्या है, सुपर ईगो को आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सुपर ईगो में आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि सुपर ईगो में बच्चा समाज में जो मॉरल्स बने हैं, समाज में जो मॉरल्स बने हैं उनको फॉलो करता है। जितने भी मॉरलिटी प्रिंसिपल्स बने होते हैं उनको फॉलो करता है। तो ये थी व्यक्तित्व की संरचना। अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा रह गया है, उसको समझते हैं, फिर आखिरी में हम लोग क्या आते हैं, मनोलैंगिक पे आते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये एक तराजू बना हुआ है। इसमें इसमें दिख रहा है, यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे इद है, यहाँ पे सुपर ईगो है। अब ईगो क्या करता है, इद और सुपर ईगो को बैलेंस करता है। ईगो क्या करता है, इद और सुपर ईगो को बैलेंस करता है। एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि समझ लीजिए हम लोग के पेपर आने वाले हैं और साथ में हम लोग को क्रिकेट खेलने का भी मन भी बहुत कर रहा है। ठीक, अब मन कर रहा है तो हम लोग का पढ़ाई में मन तो लगेगा ही नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि हम लोग थोड़ा सा खेल लेते हैं, थोड़ा सा खेलने के बाद पढ़ाई कर लेंगे। तो जो ये हम लोगों ने प्लान बनाया, जो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा खेल लेंगे, ये क्या होता है, ईगो, ये क्या होता है, ईगो। और अगर हम लोग कह दें कि नहीं मुझे खेलना नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, मतलब हम लोग अपने मन को मार लेंगे, हम लोग अपने मन को मार लेंगे, ठीक है ना, और हम लोग खेलने की तरफ चले जाएंगे। ठीक, तो वो किस में आ जाएगा, सुपर ईगो में आ जाएगा। और हम लोग पढ़ाई को भूल जाएं, खेलने चले जाएं, तो वो किसके अंतर आ जाएगा, इद के अंतर्गत आ जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, इद ईगो और सुपर ईगो में क्या होता है, ईगो क्या करता है, सुपर ईगो और इद को बैलेंस करता है। मतलब ज़्यादा जो इच्छाएं बन रही हैं, ज़्यादा जो इच्छाएं बन रही हैं, और सुपर ईगो में क्या होता है, हम लोग मॉरल्स पे ही करते हैं, एक मॉरल्स को फॉलो करते हैं, जो मॉरल्स हम लोगों के सोसाइटी में बने होते हैं उनको फॉलो करते हैं। अब आप खुद सोचिए, ज़्यादा मॉरल्स को फॉलो करना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा अपने अंदर की इच्छाओं को, मतलब खुश रहना भी ठीक नहीं है। तो इनके जो बीच की स्थिति है, जो बैलेंस करता है, मतलब थोड़ी खुशी और थोड़े मॉरल्स, वो किसके अंतर्गत आते हैं, ईगो। मतलब ईगो दोनों को बैलेंस करता है। क्लियर, फिर उसके बाद क्या लिखा है, इद। इद जैविक पक्ष है, जो हम लोग का इद है वो जैविक पक्ष है, और जो ईगो है वो मनोवैज्ञानिक पक्ष है। ईगो क्या है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है। और सुपर ईगो क्या है, हम लोगों का नैतिकता पे बेस है। सुपर ईगो हम लोग का क्या है, नैतिकता पे बेस है, जो भी समाज में नैतिकता चल रही है उस पे बेस है। क्लियर है, तो ये था हम लोगों का व्यक्तित्व के आधार पे, यानी कि मनोगत्यात्मक पक्ष के तरीके से सिगमंड फ्रायड ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे आखिरी हम लोग का क्या आ गया है, मनोलैंगिक विकास। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग के जो सिगमंड फ्रायड हैं
उन्होंने जो अपनी थ्योरी को समझाया है, इस थ्योरी को जो समझाया है वो लिबिडो यानी कि काम प्रवृत्ति को लेके समझाया। ठीक, इसमें काम प्रवृत्ति और जो हम लोगों के शरीर के पार्ट्स को यूज़ किया, तो इसको 5 स्टेजेस में उन्होंने ब्रेक किया। पहली क्या है, ओरल स्टेज। ये कब से चलती है, 0 से 1 साल। ध्यान से देखिए, 0 से 1 साल इद की अवस्था थी, 0 से 1 साल इद की अवस्था थी। फिर उसके बाद एनल स्टेज, इसके बाद एनल स्टेज। ध्यान से याद कीजिए, ये किसकी अवस्था थी, ये ईगो की अवस्था थी। ठीक, इसे हम लोग गुदा अवस्था भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है फैलिक स्टेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक अवस्था, 3 से 6 साल। अब यहाँ से हम लोगों का परा एम यानी कि सुपर ईगो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या है हमारा, लेटेंसी स्टेज यानी कि सुषुप्ता अवस्था, इसमें भी सुपर ईगो चल रहा होता है। फिर क्या आता है, जेंशियल स्टेज यानी कि जननांग अवस्था, ये 13 साल के बाद एडल्टहुड तक चलता रहता है। आइए इनको समझते हैं, फिर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है, पहला ओरल स्टेज, क्या लिख रहा है, ओरल स्टेज, ये 0 से 1 साल के बीच में चलती है। इसे मुखा अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो लिबिडो अर्ग है, मतलब जो हम लोग की काम प्रवृत्ति की जितनी भी चीज़ है, वो किससे बेस है, मुंह से बेस है। मतलब बच्चा चूसता है, शकिंग करता है। बच्चे को देखा होगा आपने बचपन में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जन्म से 1 साल के बीच में, वो हर चीज़ को च्युइंग करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को खाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दिया होगा, इसीलिए सिगमंड फ्राइड ने इस अवस्था में क्या कहा है कि इस अवस्था में जो लिबिडो है वो क्या है, माउथ है। जो लिबिडो है वो क्या है, माउथ। लिबिडो क्या है, हम लोगों की काम प्रवृत्ति, जहाँ पे काम प्रवृत्ति आ रही हो। ठीक है ना, फिर कहा गया है इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, नार्सिसिज्म होता है। इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, नार्सिसिज्म होता है, यानी कि बच्चा स्वप्रेम करता है, मतलब अपने आप में ही खुश रहता है, अपने आप से ही प्रेम करता है। इसीलिए बच्चे को क्या बोल दिया गया, नार्सिसिज्म। और इसमें बच्चा सिर्फ अपने आप अपनी ही खुशियों में रहता है। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है, फिक्सेशन। फिक्सेशन देखिए, फिक्स से मतलब है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसको अगर हम लोग ध्यान से समझें, तो जो हम लोग का लिबिडो था माउथ, अगर हम लोग मुंह से जो सकिंग करते हैं, च्युइंग करते हैं, उसको कंटिन्यू रखें, उसको बढ़ाते चलें और उस पर कंट्रोल ना लाएं, या फिर उसको घटा दें, ठीक है ना, उसको घटा दें, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा। फिक्सेशन मतलब, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ये इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो आगे चल के या तो बच्चा स्मोक करने लगेगा, या तो टोबैको च्युइंग करने लगेगा यानी कि टोबैको खाने लगेगा, इस टाइप की चीज़ें, हरकतें वो करने लगेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, ना ही पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ने देना होगा, ना ही ज़्यादा घटने देना होगा, इसको हम लोग को बैलेंस रखना होगा, वरना क्या हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एनल स्टेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुदा अवस्था। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जितनी भी गुदा से रिलेटेड संबंधित होता है, इसमें बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, इसमें बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। इसमें सिगमंड फ्राइड ने गुदा को लिबिडो बोला है, मतलब जो हम लोग के ब्लैडर्स होते हैं उनको लिबिडो बोला है। ठीक, तो इतना ही सा था एनल स्टेज में। और एक और बात, एनल स्टेज में क्या होता है, ईगो चल रहा होता है हम लोगों का, यानी कि अहम चल रहा होता है, जैसा कि अभी उन्होंने पीछे समझा था। फिर क्या आती है, फैलिक स्टेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक अवस्था। ये 3 से 6 वर्ष के मध्य चलती है। इसमें परा अहम आ जाता है, अभी हम लोगों ने समझा था, इसमें क्या होता है, सुपर ईगो आ जाता है। ठीक, अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये दोनों एक तरीके की ग्रंथियाँ हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस, ये दोनों ग्रंथियाँ हैं, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उन्हें पिता के प्रति प्रेम की भावना होती है, उनमें पिता के प्रति प्रेम की भावना होती है और माता के प्रति घृणा की भावना होती है, इस स्टेज में ऐसा होता है। और ओडिपस के अंतर्गत क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनमें माता के प्रति प्रेम की भावना और पिता के प्रति घृणा की भावना होती है। ये दोनों बातों को लेके, इन दोनों बातों को लेके ये जो सिगमंड फ्राइड हैं, इन पे बहुत सी आलोचना हुई थी, इन दोनों बात को लेके सिगमंड फ्राइड पे बहुत सी आलोचना हुई थी, लेकिन हम लोग को पढ़ना तो है ही। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, लिखा है लेटेंसी स्टेज यानी कि सुषुप्ता अवस्था।
ये 6 से 12 वर्ष के बीच में चलती है। इसमें बच्चा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है और स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेता है और स्कूल एक्टिविटीज़ में बिजी भी हो जाता है। मतलब बच्चा स्कूल जाने लगता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब हम लोग पहले दिन स्कूल जाते हैं तो बहुत से बच्चे रोते हैं, लेकिन टाइम आने के साथ साथ वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेते हैं और रोना बंद कर देते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? लेटेंसी स्टेज के अंतर्गत, यानी कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। ठीक, फिर उसके बाद आती है जननांग अवस्था, जो 13 साल से लेके अडल्टहुड तक चलती है। इसमें क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट विद अदर सेक्स, इन्वॉल्वमेंट विद अदर सेक्स थ्योरीज हमारे सिगमंड फ्राइड ने समझाई। तो आज की वीडियो में आशा करते हैं आप लोग को मनोविश्लेषण का सिद्धांत समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या? गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।